हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, नीट 2020 छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। फ्रेंड्स, नीट 2020 वाले छात्रों को बहुत बड़ी खुशखबरी आई। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4000 MBBS सीट जो है इंक्रीज कर दी गई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 4000 MBBS सीट बढ़ा दी गई। अब जिन छात्रों के कम मार्क्स थे, जिन्हें डाउट था कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकेगा, हमें कॉलेज नहीं मिल सकेगा, तो ऐसे छात्र जो है परेशान ना हों, उन सभी छात्रों के लिए जिनके कम स्कोर बढ़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए अब गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें फ्रेंड्स। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है मैं जितनी भी नीट के अपडेट रहते हैं सभी वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ, और जब तक ये काउंसिलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती मैं तब तक सभी वीडियो को मैं देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नव भारत टाइम की अपडेट आई हुई है। नव भारत टाइम की अपडेट है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में MBBS की सीटें बढ़ाकर 4000 हुई। जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है कि फ्रेंड्स जो सीटें हैं, ठीक है, वो आपकी पूरी 4000 कर दी गई हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 20 अक्टूबर का, और यहाँ से अपडेट देखिएगा, बोला गया है कोलकाता 20 अक्टूबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि दो मेडिकल कॉलेजों की 250 सीटें जुड़ने के बाद राज्य में MBBS पाठ्यक्रम की सीटें बढ़कर 4000 हो गई हैं। तो यहां से देख सकते हैं छात्रों के लिए अच्छी खुशखबरी है। जो पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स दो मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, जिसमें टोटल 250 सीटें बढ़ गई हैं, और 250 सीटों के बढ़ने के बावजूद यहां पर राज्य में MBBS की सीटें बढ़ा करके अब 4000 हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने पहले राज्य में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया था। उन्होंने ट्वीट किया, मैं खुश हूँ कि 100 सीटों वाले पुरुलिया सरकार MCH का पहला MBBS बैच शुरू होने और गौड़ी देवी मेडिकल कॉलेज में 150 MBBS सीटें जुड़ने से बंगाल में हमारे पास अब 4000 MBBS सीटें हैं। पिछले साल स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में कहा, क्या कहा कि 20 अक्टूबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि दो मेडिकल कॉलेजों की 250 सीटें जुड़ने के बाद राज्य में MBBS सीटों की जो संख्या है वो अब पूरी 4000 हो गई है। बनर्जी ने पहले राज्य में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं खुश हूँ कि 100 सीटों वाली पुरुलिया सरकार। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छी खबर है छात्रों के लिए कि अब जो है सीटें बढ़ चुकी हैं, और जो छात्रों को, क्योंकि फ्रेंड्स देखिएगा 250 सीट बढ़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो 250 छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर आप अपने नज़रिए से देखें तो 250 छात्रों को प्राइवेट कॉलेज मिलता, वहीं पर 250 छात्रों को अब गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकेगा। तो इससे एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया गया है, और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में दो मेडिकल कॉलेज बनवाए, और फ्रेंड्स यहाँ पर 250 सीटें जुड़वाई, और पूरी MBBS सीटें मिलाकर पश्चिम बंगाल में 4000 सीट हो चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स बहुत कम लो रैंक पर जिनका कम स्कोर बढ़ रहा होगा, ठीक है, उन छात्रों को अब MBBS कॉलेज मिल सकता है। तो ऐसे में छात्रों को अच्छी खुशखबरी है। आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका थोड़ा स्कोर कम बन रहा है तो आप ऑल इंडिया रैंक के थ्रू जो है यहाँ पर ऑल इंडिया की रैंक काउंसलिंग जो होगी उस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। आपको कोई और दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।